नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोर्ट ने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में पाकिस्तानी महिला गवार रहीला वकील की याचिका को किया खारिज। 18 मार्च की पिछली सुनवाई में एनआईए कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने रखा था अपना अपना पक्ष। नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार। लंदन में गिरफ्तार किया गया भगोड़ा कारोबार नीरव मोदी। बैंकों का 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगा है। नीरव मोदी लंदन की सड़क पर घूमता दिखा था, जिसके चलते मोदी ने लंदन में हीरो का शोरूम खोला था। ईडी सीबीआई ने प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से किया अनुरोध। इसी के चलते वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तार वारंट। सुश्री मायावती नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव 2019। मायावती ने कहा कि देश हित और जनहित में उन्होंने ये फैसला किया है कि वह फिलहाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके इस फैसले का स्वागत करेंगे। आईपीएल 2019 शुरू होने से पहले किंग्स 11 पंजाब ने शहीदों के सम्मान में किया ये बड़ा काम। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करते हुए किंग्स 11 पंजाब की टीम ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 5 जवानों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। लोकसभा चुनाव 2019 करनाल में मेनका गांधी होगी बीजेपी उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार लगभग तय कर दिए हैं। खबर है कि सीएम सिटी करनाल से मेनका गांधी तो वही सोनीपत से चंडीगढ़ के पूर्व जिलाधीश एवं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र विजेंद्र सिंह का नाम है। अर्थ प्रकाश टीवी से मैं ज्योति दत्ता, शुक्रिया।